चुंगी कुमुदनगर कॉलोनी में ममता गुप्ता पत्नी मुकेश गुप्ता कुमुदनगर की प्रधान है। कॉलोनी के रास्ते में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, नालियां जाम है, जिससे कॉलोनी निवासियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। ये कुमलनगर कॉलोनी का इतना बुरा हाल इसी तरीके से रहेगा क्या भाजपा की सरकार में? आपने जो मुकेश गुप्ता ममता गुप्ता मुर्दाबाद के जो नारे लगाए थे, वो इस क्षेत्र से क्या प्रधान है? वो भाई प्रधान रह चुकी है, वो वादा कर चुकी थी कि हम प्रधान होने पर इस कुमलनगर कॉलोनी का वो विकास कराएंगे कि जनता याद करेगी। तो उनका जितना भी कार्यकाल हो गया, उनके कार्यकाल में कोई भी अभी तक कार्य किया नहीं गया? अभी तक ममता गुप्ता ने इस कॉलोनी को उजक के भी नहीं देखा है। कार्यकाल तो कराना क्या है? तो आप ममता गुप्ता मुकेश गुप्ता से क्या अपनी मांगों को रखना चाहते हैं? अरे मुकेश गुप्ता जी के घर पर गए हम, हमने हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया कि यार हमारी किसी भी रास्ता को मत बनाओ, जो मंदिरों के लिए जाने के लिए बहन बेटियों के लिए जो दो डक्की रास्ता तो कम से कम कराई दो। आश्वासन थे क्या? आश्वासन भी नहीं दिया उन्होंने, साफ कह दिया कि मेरे कोटे में पैसे ही नहीं है। दसियों बार उनके दरवाजे पे जाके चक्कर काट के चले आए उन्होंने, आज तक भी कोई भी किसी भी प्रकार का हमें आश्वासन भी नहीं दिया है। तो आपकी जो कुमलनगर कॉलोनी की जनता है, वो क्या निर्णय लेना चाहती है? जनता निर्णय ये लेना चाहती है कि हमारा ये किसी भी प्रकार, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से ये थोड़ा बहुत विकास है, इसके लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 फुट रास्ता तो कम से कम ऐसी सेफ होनी चाहिए कि आने वाले रिश्तेदार बहन बेटी मंदिर पे जल चढ़ाने वाली सुरक्षित तरीके से जा करके क्या जल नहीं चढ़ा सकती हैं? इस मांगों को लेकर आप कोल विधायक अनिल पारा सर से भी मिले? एकाएक से मिले, सब ने हमको गुमराह में ही रखा। आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि मंदिर में आके चाय पी के सांसद और विधायक और मेयर चाय पी के चली गई। किसी ने ये भी नहीं कहा कि झूठे बर्तनों में नाई धीमर के लिए भी 5 रुपए डाल जाती।